चक्रवात यास के बाद की भारी तबाही झेलनी पड़ रही है मछली व्यापारियों को। सिर पर रखा हाथ सरकार से मांग रहे क्षतिपूर्ति। जी हाँ, ये तालाब है पूरे बशीरहाट उपमंडल की, जहाँ सफेद मछलियाँ मर रही हैं। बशीरहाट उपखंड के 6 ब्लॉकों में विभिन्न क्षेत्रों में मीठे पानी में मछली पालन होता था। इसे सफेद मछली पालन कहते हैं। मछली पालन शुरू किया गया, हालांकि सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन अब तक मछली किसानों को कोई सुविधा नहीं दी गई। हालांकि इसी महीने की 26 तारीख को भीषण चक्रवात तूफान आया, लेकिन बशीरहाट में ज्यादा असर नहीं हुआ, पर यहां नदी का जल स्तर बढ़ गया और तटबंध उफान पर आ गया। इन तालाबों में विभिन्न प्रकार की मछलियां थी और एक के बाद एक महंगी मछलियां खारे पानी में प्रवेश करने से मर गई। तभी इलाके में सड़ी गली मछलियां बदबू फैला रही हैं, जिससे तरह तरह के बीमारियों के लक्षण भी सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर खारे पानी की आवक से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें फसल की खेती के लिए दूर दूर अलग अलग जगहों से पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं। अब किसान काफी परेशानी में यहाँ अपना दिन गुजार रहे हैं। वे ये नहीं सोच पा रहे कि बाकी की जिंदगी कैसी बचाएं। एक मछली किसान ने कहा है कि लाभ कमाने की उम्मीद से उन्होंने सफेद मछली की खेती की थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके 4 लाख रुपए ये सारी चीज संवारने में ही लग गए। अब वे सरकार से आशा करते हैं कि उन्हें क्षतिपूर्ति दी जाए। আমরা ক্ষতিপূরণ চাইছি সরকারকে, তা 4 লাখ টাকা মতন টোটালে খরচে মানে ক্ষতি হয়ে গেছে। এটা মাছ একদম নেই, মাছ নেই, সব মাছ বেরিয়ে পুরোই আমাদের নির্ভর মানে চলে, সংসারটা চলে। আপনাদের কিভাবে ক্ষতি হলো? জল করে রাস্তা ছিল, সব বুড়ে গেছে, প্রচুর টাকা ক্ষতি হয়ে গেছে। তবু আনুমানিক 6-7 লাখ টাকা। আপনার অবস্থা? অবস্থা এখন আমরা পথ বসে গেছে। আপনার কি চাইছেন? সরকারের কাছে সরকার দেবে কিনা তিনি জানেন।